गाने और कहीं ना कहीं छोटा ड्रेस पहन करके वायरल होने वाले लोगों को तो आप सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन आज इस दीदी के लिए और कहीं ना कहीं साइकिल आपका ये किसका है? मेरी घर का। घर का है ना, चाहते हैं कि आपको साइकिल एक मिले। हाँ, तो बिल्कुल अजी, यदि आप चाहते हैं कि ये नया साइकिल चढ़े तो 1000 शेयर अगर आप इस वीडियो को लगाते हैं तो आपका दुलार आपका प्यार जो है डायरेक्ट मैं दीदी तक पहुंचाऊंगा। साइकिल से जाते हैं ससुराल तो ससुराल के लोग नहीं बोलते हैं कि देखिए बहू एक साइकिल से आ रही है, पल्लू उतार लेते हैं, उधर जाते हैं तो जब मेरा घर का उधर का नियम है वो करके जाते हैं। हाँ, उधर जाते हैं तो पल्लू अथी करके अच्छे से जाते हैं, झाँक के जाते हैं। तो मायके है आपका तो चल जाएगा, ससुराल में तो लोग कहेंगे ना कि बहू देखिए एक साइकिल से आ रही है बहू, अब समझिए अपने मायके से तो लोग क्या बातें बनाते होंगे। कुछ नहीं बोलेगी, मेरा परिवार ठीक है, दुनिया क्या करेगी, कुछ नहीं कर लेगी। पति आपके क्या कहते हैं साइकिल चलाते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं कहाँ गए थे, बोले मम्मी के पास कुछ काम था, बोले हाँ, तो बोले कौन ले गए, बोले अपने चल गए, बोले चलो ठीक है हम भी काम कर लिए, अपना भी काम कर लिए, सबका भी काम हो गया, अभी घर बन रहे हैं तो पापा जी काम कर रहे हैं घर में, ननद चल गए आज टेस्ट है वो पढ़ने के लिए चल गए। कितना किलोमीटर है आपका मायके और ससुराल की दूरी क्या है? 6-7 किलोमीटर दूर। 6-7 किलोमीटर आप है। हाँ, घूम कर आते हैं, घूम करके आप मायके चली जाती है, मायके का काम करके फिर ससुराल चली जाती है। वाह दीदी वाह, क्या बात है। देखिए भारत की संस्कृति या भारत कौन संभालेगा जी, अब यहाँ से रह जाएंगे तो मालजल कौन संभालेगा, यानी दोनों तरफ आप काम कर लेती हैं, भाग दौड़ करके 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चला के। हाँ, मम्मी का भी बहू नहीं ना है। हाँ, दो भाई एक ही बहन है, सबसे अच्छा। बड़ा हम ही है बहन में। अच्छा, अच्छा ससुराल में भी सबसे बड़ा है। हाँ, तो दोनों का भी देखना मेरा फर्ज है, दोनों परिवार में है, पहले माँ से सब कुछ जुड़ा है तब उस परिवार, यानी एक बेटी जो है अपने ससुराल को भी देख रही है, अपने मायका को भी देख रही है, 6-7 किलोमीटर साइकिल से ही आना जाना पड़ रहा है, लेकिन जो है मेरे घर को संभाल रही है। वाह दीदी वाह, बहुत ऐसा हो जाएगा कभी साइकिल नहीं रहेगा तो पैदल भी आना पड़ जाएगा। हाँ, पैदल कभी आए जी, क्या बात है, ऐसे साड़ी में जी। तो कैसा लग रहा है इनका प्रयास? दोस्तों आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि साइकिल आपका ये किसका है? मेरी घर का। घर का है ना, चाहते हैं कि आपको साइकिल एक मिले। हाँ, तो बिल्कुल अजी, यदि आप चाहते हैं कि ये नया साइकिल चढ़े तो 1000 शेयर अगर आप इस वीडियो को लगाते हैं तो आपका दुलार आपका प्यार जो है डायरेक्ट मैं दीदी तक पहुंचाऊंगा, और ऑन वीडियो आपको बताऊंगा कि आपका प्यार जो है कैसे इन तक पहुंचता है, और इनको एक साइकिल गिफ्ट देने का हमारा विचार आपको कैसा लग रहा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम अनजाने में आप शेयर करते होंगे जिससे ना किसी का भला होता है ना किसी का भला हो सकता है। शायद इस तरह की महिलाएं भी नहीं होगी जो दोनों परिवार को देखते ही होंगे कि किस तरीके से सास ननद और इस तरह का किस्सा भी बनता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इस बिहार की बेटी को जो है सपोर्ट किया जाए, और नया साइकिल मिलेगा तो क्या खुशी होगी आपको? जी क्यों नहीं होगा, चाहते हैं कि नया साइकिल आपको हो, अपना साइकिल रहेगा तो आएंगे जाएंगे जी, जरूर जाएंगे। और उसी तरीके से दोनों, सबसे पहले तो आपको बधाई दर्शकों की तरफ से, सभी बिहारवासियों की तरफ से, कि दोनों परिवार को परिवार का संतुलन बना के चलना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, क्योंकि होता है ना एक तराजू की डंडी पकड़ने वाला ही जानता है कि दोनों तरफ कैसे बैलेंस बनाना है, और ये महान है। बहुत सारे लोग जो है बैलेंस नहीं बनाने की वजह से ही समझिए कि और रिश्ते में दरार हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, और अधिक बार जो है इसका शिकार मर्द भी पति भी हो जाता है। लेकिन देखिए एक महिला किस तरीके से जो है घर परिवार सास ससुर पति सबको जो है सभी का संतुलन बनाया करके, हम एक और बात वो एक बात बोलेंगे, हम चार बात बोलेंगे उससे बात बढ़ेगी, उससे परिवार टूटेंगे, और दो बात बोलेंगे हम चुप नहीं रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उससे क्या, दो चार बार बोलेंगे उसके बाद अपने खुश हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे गुस्से से क्या फायदा, एक दूसरे एक बात हम बोलेंगे दो बात उसमें मेरा काम खराब होगा, वो गुस्सा सुधर चल जाएगा, वो गुस्सा सुधर चल जाएगा, काम खराब हो गया, वाह ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या ये बिहार की बेटी को आपका सपोर्ट मिलेगा? अगर ये वीडियो 1 मिलियन जाता है और 1000 शेयर हो जाता है तो याद रखिए हम फिर मिलेंगे और इनको अपना उपहार के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।